गौरव सिंह छत्तीसगढ़ कैडर के 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं। शिक्षक पिता के संतान गौरव सिंह ने पूरी स्कूलिंग हिंदी माध्यम से की, फिर एनआईटी और आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी भी की। हिंदी माध्यम से यूपीएससी एग्जाम निकालकर वे आईएएस अधिकारी बने और छत्तीसगढ़ कैडर में महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स पर रहे। गौरव सिंह का जन्म 1 जनवरी 1984 को हुआ था। आईएएस अफसर गौरव सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले के देवमनपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता गांव से ही लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव के इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। गौरव सिंह 7 भाई बहन हैं, जिनमें 4 बहनें और 3 भाई हैं। सभी में गौरव सिंह सबसे छोटे और लाडले हैं। गौरव सिंह के एक भाई की कोरोना महामारी के दौरान मौत हो गई। गौरव सिंह की मां भी उच्च शिक्षित हैं। गौरव सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर गौसगंज से 5वीं तक की शिक्षा ली। फिर उनके पिता का प्रमोशन प्रधानाचार्य के पद पर हुआ। तब पिता जिस स्कूल में प्रधानाचार्य थे, वहां तक वे 12वीं तक पढ़े। गौरव सिंह ने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है। उनके पिता राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षक हैं। बारहवीं गौरव ने गणित, भौतिकी और रसायन विषयों के साथ उत्तीर्ण की। फिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एनआईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक किया। बीटेक के बाद गेट निकालकर दिल्ली आईआईटी से एमटेक किया। एमटेक के दौरान जर्मनी की प्रतिष्ठित कंपनी की फेलोशिप भी उन्हें मिली। एमटेक के बाद पीएचडी भी उन्होंने पूरी की। फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की। गौरव सिंह का मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य विषय की पढ़ाई गौरव सिंह ने मात्र 35 दिनों में की। यूपीएससी एग्जाम में तीसरे प्रयास में उनका चयन हुआ और वे आईएएस अधिकारी बने। 2012 के यूपीएससी एग्जाम में गौरव सिंह ने हिंदी साहित्य विषय में देश में सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए थे। फील्ड पोस्टिंग के लिए सहायक कलेक्टर के रूप में उन्हें रायगढ़ पोस्टिंग मिली। रायगढ़ के बाद महासमुंद जिले के सरायपाली में वे एसडीएम रहे, फिर दंतेवाड़ा जिला पंचायत के सीईओ रहे। दंतेवाड़ा में जिला पंचायत में करीब 2.5 साल तक सीईओ रहने के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन को लेकर काफी काम किए। महिला समूहों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्री भी खोली। नक्सल इलाकों के युवाओं को रोजगार देने प्रदेश का पहला बीपीओ कॉल सेंटर खोला। पालनार को कैशलेस विलेज बनाया। नक्सली ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास बनवाए। नक्सल प्रभावित जिले में बेहतर काम के चलते गौरव सिंह को पीएम एक्सलेंस अवार्ड सहित 4 नेशनल अवार्ड भी मिले। दंतेवाड़ा के बाद गौरव सिंह धमतरी, दुर्ग, रायपुर जिला पंचायत के सीईओ भी रहे। सूरजपुर, मुंगेली, बालोद जिले के कलेक्टर भी रहे। मुंगेली में 2 महीने के छोटे कार्यकाल में ही 100 ग्रामों में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुलझाई। वर्तमान में गौरव सिंह राजधानी रायपुर के कलेक्टर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीटी न्यूज़।